नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रांची थाना के चंपा नगर में रहने वाले 25 साल के युवक की उसके ही एक साथी ने हत्या कर दी। घटना की वजह पूर्व का व्यापार बताया जा रहा है। इधर मृतक की हत्या से गुस्साए स्थानीय लोगों ने रांची थाने का घेराव कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक देवाशीष चटर्जी पहले आरोपी हितेश दुबे की मेडिकल शॉप में काम किया करता था। कुछ समय पहले अचानक हितेश दुबे शॉप बंद कर देता है, जिसके बाद देवाशीष चटर्जी उसी शॉप को किराए पर लेकर चलाने लगता है। यही बात हितेश दुबे को नागवार गुजरती है। कल देर रात मेडिकल शॉप खोलने को लेकर देवाशीष से हितेश विवाद करता है। इसी बीच हितेश धारदार हथियार से उस पर हमला कर देता है। इस बीच घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत घायल को लेकर निजी अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। घटना के बाद स्थानीय लोग रांची थाने का घेराव कर देते हैं। स्थानीय लोगों की माने हत्या के करने में हितेश दुबे के पिता का भी हाथ है, लिहाजा मांग की जा रही है कि देवाशीष की हत्या के आरोप में हितेश के पिता को भी गिरफ्तार किया जाए। देवाशीष चटर्जी चंपा नगर चौराहे पे था, वहाँ हितेश दुबे आया और उससे गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करते करते उसके ऊपर से किसी ने उसके सर पर ईंट मारी, जो बाद में पता चला कि उनके पिताजी द्वारा मारी गई थी। फिर हितेश दुबे ने चाकू निकाल कर देवाशीष को मारा। फिर परिवार के मोहल्ले के सब लोग दौड़े उसको उठाने के लिए, उठाकर लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां वो मृत हो चुका था। जबलपुर के प्रेमनगर में बारिश का पानी घरों में जाने से रहवासी खासे परेशान हैं। नगर निगम उनकी नहीं सुन रहा है, जिसको लेकर नगरवासी नाराज हैं। रहवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में पानी भर गया है और पानी की निकासी के लिए निगम कोई काम नहीं कर रहा है, जिसके विरोध में आज क्षेत्र के निवासियों ने चक्का जाम किया। इसमें क्षेत्र की महिलाएं भी मानव चैन बनाकर शामिल हुई। उनका कहना है कि इसको लेकर क्षेत्र के विधायक और वित्त मंत्री तरुण भनोट से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, जिसके बाद अब रहवासी मंत्री तरुण भनोट का भी विरोध कर रहे हैं। समस्या है पानी भराव के कारण। ये विगत दिवस काफी पानी गहरा है, इस कारण से लोगों के घरों में पानी भर गया है। पानी की निकासी की क्या व्यवस्था हो, उसके लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, देख रहे हैं। समस्या के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी अभी आ रहे हैं। तो हम लोग को मजबूर होकर फिर से चक्का जाम करना पड़ा। हम लोग का चार चार फुट तीन तीन फुट पानी घुसता है, इसकी जवाबदारी किसकी? अगर किसी को कुछ होता है तो आज पुलिस को भेज दिया और हम लोग का मल्ला हटा दिया, लेकिन नहीं, हम चुप बैठने वाले नहीं है। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के फैसले को चुनौती के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी करते हुए 21 अगस्त को अगली सुनवाई करने की बात कही है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाली सभी याचिकाओं को आपस में लिंक कर दिया गया है। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।